नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल उत्तर प्रदेश में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने Redmi Note 12 के फ़ोन में या Redmi Note 12 Pro फोन यूज़ करते हैं तो दोनों में आप लोग जो है कॉलर आई डी अनाउंसमेंट को ऑन कैसे करेंगे जिससे कि आपके फ़ोन पर कोई भी कॉल आएगी तो जिसकी भी कॉल आएगी उसका नाम बोलेगा और नंबर आएगा तो नंबर बोलेगा जिसका नंबर आ रहेगा तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना आपको फ़ोन डायलर ओपन करना है फोन डायलर ओपन करने के बाद राइट साइड कॉर्नर में थ्री डॉट पर क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है आपको इस पर क्लिक कर देना है जैसे आप लोग सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पे दोस्तों स्कोर डाउन करना है यानी कि सबसे नीचे आना है जब आप लोग यहाँ पे नीचे आते हो नीचे आने के बाद फाइनली आप लोगों को चलिए मैं दिखाता हूँ क्या ऑप्शन मिलता है और किस पर क्लिक करना है यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है एडवांस के नीचे देखेंगे कॉलर आईडी अनाउंसमेंट का इस पर क्लिक करना है और कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है जैसे ही कॉलर आई अनाउंसमेंट पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर अनाउंस कॉलर आई है ए नेवर है नेवर रहेगा तो नाम नहीं बोलेगा ऑलवेज कर देंगे जब भी कोई कॉल आएगी तो नाम बोलेगा लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है ओनली व्हेन यूजिंग ए हैंडसेट जब इस पर क्लिक कर देंगे जब आप ब्लूटूथ से अपने फ़ोन को कनेक्ट किए रहेंगे तब कोई कॉल आएगी तो नाम बोलेगा तो यहाँ पर जो भी आपको करना है यहाँ से कर सकते हो